नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग हब में। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे अगेन 30 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के। तो बाकी अगर अपने पहले दो वीडियो आपने नहीं देखा तो आप जाके देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ दोनों वीडियो का लिंक, पार्ट वन पार्ट टू, और ये तीसरा है सामान्य अध्ययन थर्ड लेक्चर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर ना करते, पहला क्वेश्चन डायरेक्टली हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बम्बई में आयोजित कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो बम्बई में आयोजित कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे विदेश में भेजा था, विदेशों में मतलब विदेश किसे भेजा था। तो संघमित्रा को विदेश भेजा था अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। ठीक है, दो क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन है, चौथ क्या होता है। चौथ, ठीक है, ये क्वेश्चन चौथ क्या होता है इंपॉर्टेंट है, एक एग्जाम में पूछा था। तो देखिए, चौथ होता है शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया जो भू संपत्ति कर था, उसको उस समय चौथ कहते थे। बेसिकली 1/4, ये 1/4 हिस्सा था जिसपे वो टैक्स लगाते थे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया भू संपत्ति कर। चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था। जयप्रकाश नारायण ही वो शख्स थे जिसने भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव रखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, उड़ीसा के कोणार्क मंदिर के निर्माता राजा नरसिंह देव प्रथम थे। चलिए छठे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन बृहत ज्वार भाटा की घटना घटित होती है। ये काफी कॉमन क्वेश्चन है और कई बार साइंस में पूछा भी जाता है कि ज्वार भाटा अधिक क्यों होता है जब अमावस्या पूर्णिमा होती है। तो इसका सिंपल सा रीजन है कि सूर्य जो है, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों जो है एक सरल रेखा में आ जाते हैं, जिससे कि अट्रैक्शन थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए छह क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन है जो कि सिख संप्रदाय से, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा पातशाह कहा जाता है कहा था। तो गुरु गोविंद सिंह ने अपने आप को सच्चा पातशाह कहा था, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। एट्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है। राज्य विधानसभा में संविधान के अनुसार मैक्सिमम 500 हो सकते हैं, मैक्सिमम 500 हो सकता है संख्या, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाइन्थ नंबर, भारत में अत्यंत दीर्घ दिन यानी बड़ा दिन डैश को होता है 21 जून को बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन होता है भारत में। ठीक है, चलिए नौ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दसवां क्वेश्चन, मुगल, 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी। तो 1651 ईस्वी में मुगलों ने बंगाल में हुगली नामक स्थान पे फैक्ट्री बनाने के लिए और व्यापार करने की इजाजत दी थी। तो ऑप्शन में अगर कलकत्ता है तो आप कलकत्ता मार सकते हैं, और हुगली अगर है तो बेहतर होगा हुगली मारें। एनीवे, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दीव क्या है। दीव जो है एक द्वीप है, दीव एक द्वीप है, कहाँ है ये, एक्चुअली गुजरात के पास में खंबात की खाड़ी में सिचुएटेड है। तो गुजरात से हटकर ये ऑप्शन इसके लिए सटीक बैठता है जो कि खंबात की खाड़ी में है दीव। ठीक है, 12वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है। कोई ऐसे सागर की बात पूछी जा रही है हाँ, कि जो भूमि से बंधा हुआ है, तो अरल सागर जो है भूमि से बंधा हुआ है। तो 12 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, तेरहवां क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी मार्ग में पाया जाता है। कावेरी नदी में शिव समुद्रम जलप्रपात पाया जाता है। ठीक है, 13 नंबर। 14वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। देखिए, इनकलाब नारा जो दिया गया था ये सर्वप्रथम दिया था हसरत मोहानी ने, कलकत्ता में एक श्रमिक हड़ताल के दौरान दिया था। लेकिन इसे जो आम जनता के बीच में यानी सबसे प्रसिद्ध बोल सकते हैं, इसको आम बनाने का श्रेय जो है भगत सिंह को जाता है।
ठीक है। भगत सिंह ने इस नारे को एक मुकाम पे पहुंचाया और इसको लेकिन दिया था हसरत मोहानी ने, लेकिन भगत सिंह के इसको भगत सिंह ने काफ़ी लोगों तक इसे आम जन तक पहुंचा दिया था, इसलिए जनरली लोग इसे भगत सिंह को ही बोलते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको मिले हसरत मोहानी तो आप हसरत मोहानी टिक कर सकते हैं। 14 क्वेश्चन कंप्लीट होता है दोस्तों, 15वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत का अमर राष्ट्रगीत वंदे मातरम को किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था और वंदे मातरम, और ये आनंद मठ से लिया हुआ उनका उपन्यास, आनंद मठ उपन्यास से लिया गया था, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रगीत है। ठीक है, चलिए और लास्ट वाले जो अगर शायद पार्ट वन या पार्ट टू देखेंगे तो वहां भी वंदे मातरम से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है, उसमें भी मैंने बताया था इससे डिटेल्स में, ठीक है, तो वो वीडियो देख सकते हैं आप। चलिए नहीं, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीनतम अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन है, प्राचीनतम अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन जो है डच KLM, हालांकि ये कोई खास क्वेश्चन नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, एनीवे बट आंसर इसका ए हो जाएगा, ए 16 का। ठीक है, सत्रह नंबर क्वेश्चन देखते हैं। श्रेष्ठ कलाकृति हंस दमयंती को किसने चित्रित किया? राजा रवि वर्मा। 18 नंबर, हेमा मालिनी की पहली हिंदी फिल्म किस वर्ष आई थी? 1968 में हेमा मालिनी की जो तमिल फिल्म थी इथु सथियाम, 1963 में एक नर्तक और सहायक अभिनेत्री के रूप में अपने अभिनय की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने तेलुगु पौराणिक फिल्म पांडव वनवासम 1965 में एक नर्तकी का रोल किया। 1968 में हेमा मालिनी ने सपनों का सौदागर में राज कपूर के साथ में काम किया, जो इनकी पहली हिंदी फिल्म थी। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसने रघुपति राघव राजा राम लिखा है? विष्णु दिगंबर पलुस्कर, 19 का 4 यानी डी, विष्णु दिगंबर पलुस्कर। हालांकि इस पे थोड़ा विवाद भी है। रघुपति राघव राजाराम एक उल्लेखनीय भजन है, हिंदू भक्ति गीत है, जिसे विष्णु दिगंबर पलुस्कर द्वारा संगीत के रूप में स्वरबद्ध किया गया था। इसे महात्मा गांधी द्वारा व्यापक रूप से लोकप्रिय बनाया गया। कुछ विद्वान इसे तुलसीदास रामचरितमानस में की रचना मानते हैं, जबकि अन्य इसे लक्ष्मणाचार्य द्वारा लिखा गया मूल हिंदू पाठ नाम रामायणम में इसका उल्लेख होने की बात करते हैं। तो ये थोड़ा विवाद है, लेकिन एनीवे विष्णु दिगंबर पलुस्कर के साथ में आप जा सकते हैं। तो 19 का डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 19 कंप्लीट होता है और 20 नंबर देखते हैं, उसके बाद और 10 क्वेश्चन बचेगा। भारत में डैश में नया पैसा का परिचय कराया गया था और 1964 में उसका पुनः नामकरण किया गया था। ठीक है, इसका आंसर होगा 20 का 1 यानी 1957। ठीक है, इसके बारे में डिटेल्स ना जाने तो अच्छा है। नेक्स्ट 21, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? सुईसिनी, सुईसिनी लोक नृत्य जो है राजस्थान से संबंधित है, जबकि रौफ, ये जो रौफ है जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है, झोड़ा उत्तराखंड से, विधि आंध्र प्रदेश से। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? वट, वट को हम लोग बरगद भी बोलते हैं और इसका बोटेनिकल नाम है फाइकस बेंगलेंसिस। ठीक है, जो हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है, इसे कल्प वृक्ष भी के नाम से भी जाना जाता है। कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष इसलिए बोलते हैं, इसे इच्छाओं की पूर्ति करने वाला वृक्ष है। वर्ष 1950 में भारत के राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में अपनाया गया था इसको। ठीक है, चलिए, और ये भारत पाकिस्तान वगैरह में पाया जाता है ये वृक्ष। एनीवे नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। 22 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है और 8 क्वेश्चन हमें कंप्लीट करना है। तो ये 23वां क्वेश्चन है, 23rd क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने ईस्वी सन 1506 ईस्वी में नई आगरा बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया था? सिकंदर लोदी ने, 23 का 2। सिकंदर लोदी ने 1488 से 1517 ईस्वी तक शासन किया था, 1506 में आगरा की स्थापना की तथा इसे अपनी राजधानी बना लिया।
24 नंबर क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता कमेटी ने सुझाव दिया था कि पंचायती राज की संरचना का स्तर होना चाहिए। ये लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था आपको, राजस्थान में जो पंचायती राज कैसे हुआ, कौन सी कमेटी थी, तो उसमें भी मैंने बताया था। इसका आंसर 24 का हो जाएगा 1, ग्राम, ब्लॉक और जिला। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, श्री हरिकोटा सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। कल या परसों, आई थिंक परसों शायद इसरो ने कार्टोसैट 3 लॉन्च किया। 26, व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक पाने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या है? अभिनव बिंद्रा, इन्होंने शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो चाइना ओलंपिक में जीता था, बीजिंग ओलंपिक में। 27, काला रंग का ध्वज ब्लैक फ्लैग क्या दर्शाता है? विरोध। देखते होंगे कभी कभी अगर क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, क्रिकेट के मैदान में या फुटबॉल के मैदान में, कभी कभी लोग काली पट्टी लगाकर मैदान में उतरते हैं, किस लिए? विरोध जताने के लिए, ठीक है। और ये जो अभिनव बिंद्रा के बारे में बताया था, बीजिंग ओलंपिक में 2008 में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। जबकि केडी जाधव जो है, केडी जाधव ने 1952 ओलंपिक में पदक जीता था, ठीक है, पदक जीता था, जबकि अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण पदक जीता था इंडिविजुअल कैटेगरी में ओलंपिक 2008 में बीजिंग में। चलिए 27 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, 28, 29, 30, तीन क्वेश्चन बचा है, तीनों फटाफट कर लेते हैं। स्कूल ऑफ एविएशन मेडिसिन एयरफोर्स कहाँ स्थित है? बेंगलुरु। मंदी रिसेशन की परिभाषा क्या है? मर्यादित समय के लिए आर्थिक प्रवृत्ति की धीमी होनी, गति धीमी होना, वह समय जिसमें बेकारी बढ़ती है और मांग और उत्पादन गिरता है, वह समय जिसमें मांग के अभाव से माल का संग्रहण बढ़ता है, तीनों, ये तीनों कंडीशन अगर आ जाए तो रिसेशन कहते हैं, ठीक है। 29 क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश पर किस हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार है? कौन सा? गुवाहाटी। अरुणाचल प्रदेश पर गुवाहाटी हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार है। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन आपके समक्ष कंप्लीट हुआ। इसके अलावा एक और चीज बता देता हूँ, गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 में हुई थी, 1948 में, ठीक है। चलिए तो आज का ये सेशन यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। अगेन वही चीज रिपीट करना चाहूंगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और किसी तरह का फीडबैक देना चाहें तो आप फीडबैक दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब के लिए धन्यवाद।